मध्य प्रदेश माफ करेगा क्या? भोपाल माफ करेगा क्या? अरे चुन चुन करके हिसाब लोगों के नहीं। साथियों, इसी धरती की संतान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नर हो न निराश करो, मन को न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। साथियों, ये देश काम से नाम की तरफ बढ़ने वालों की कद्र करता है, जो मेहनत करता है उसकी कद्र करता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। लेकिन कांग्रेस वाले इससे उल्टा ही कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है क्या जरूरत है काम की, जब छाप है बस नाम की। और कांग्रेस का तो मंत्र है, साथ आओ मलाई खाओ। क्या है कांग्रेस का मंत्र? साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ। मध्य प्रदेश से तो देख लिया ना, दोनों हाथ से लगे हैं। भाई और बहनों, इसी को आज कांग्रेस ने अपनी सियासत का आधार बना लिया है। अब ये लोग अपने ही झूठ के मकड़ जाल में ऐसे उलझ कर रह गए हैं कि बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। याद करिए, मध्य प्रदेश के किसानों से ये कहकर वोट लिया था कि 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। वो 10 दिन कब आएंगे ये बताने को कोई तैयार नहीं है। 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? हमने तो सुना है कि किसानों को नोटिस आने लगे हैं। ये लोग कहकर गए थे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को भत्ता देंगे। भाइयों बहनों, जरा मैं पूछना चाहता हूं, जरा मध्य प्रदेश के नौजवान बताइए, भत्ता आना शुरू हो गया ना? सब बैंक में जमा हो गया ना? मालामाल हो गए ना? सुनो सुनो, उनकी बातें सुनो। अरे देशवासियों, ये मध्य प्रदेश का हाल देखो, अभी तो 4 महीने हुए, तबाह करके रख दिया। इन लोगों ने बिजली का बिल हाफ करने की बात कही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि बिजली की सप्लाई हाफ करके बिजली का बिल हाफ करने के तरीके पर चलेंगे। बिजली नहीं आती तो बिल कहां से आएगा भाई? बिजली आती है क्या? कल तो मैंने सुना वो दिग्गी राजा के कार्यक्रम में भी नहीं आई। भाई और बहनों, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, जो केंद्र की सरकार यहां के लाखों किसान परिवारों के खाते में सीधे पैसे जमा करना चाहती है उसमें भी देरी कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सजा देना, इन लोगों पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, 23 मई को, आज 1 मई है, 23 मई को इस समय चुनाव के नतीजे आ गए होंगे, आ गए होंगे ना? 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर से एक बार जब मोदी सरकार आएगी,
तो मध्य प्रदेश के हर किसान परिवार को चाहे कितनी भी जमीन क्यों न हो, सभी को ये मदद देने का फिर से प्रयास किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान है, खेत मजदूर है, छोटे छोटे दुकानदार है, उनको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन की सुविधा भी हम देने वाले हैं। हर महीना उसको पेंशन मिलेगा, उसके बुढ़ापे की चिंता अब वो विश्वास के साथ जी सकता है। साथियों, कांग्रेस हर स्तर पर बेईमानी करती है, वो बेईमानी करने में मशहूर है, उसकी आदत है, वो बेईमानी किए बिना रह सकते ही नहीं है जी। लेकिन दो चीज ऐसी है जिसमें वो पक्के ईमानदार है, पता है आपको दो चीज कौन सी है? दो चीज में वो पक्के ईमानदार है, एक वंशवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। ये बराबर ईमानदारी से करते रहते हैं। दिल्ली में नामदार का चेहरा चमकाने के लिए मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों, प्रसूता माताओं के लिए जो पैसा चौकीदार ने दिल्ली से भेजा था, ये उसी को ही डकार गए। और आपने देखा होगा, नोटों से भरे बोरे कांग्रेसियों के पास से निकल रहे हैं और तुगलुक रोड चुनाव घोटाले में सारा खेल खेला जा रहा है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वालों को क्या आप माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या आप माफ करेंगे? क्या यहां कोई है जो माफ करेगा इनको? भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक और कल्चर है, योजनाओं को लटकाना और भटकाना। आज मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत है तो इसके पीछे कांग्रेस की यही संस्कृति रही है। देश भर में करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं इन्होंने 30 30 40 40 साल से लटका कर रखी थी। इनमें से 14 तो यही मध्य प्रदेश की थी। बीते 5 वर्षों में हमने इन परियोजनाओं को हाथ में लिया और शिवराज जी के सहयोग से 10 पूरी भी कर दी। अगर यहां की सरकार ने अड़ंगा नहीं लगाया तो बाकी को भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, कांग्रेस लटकाती है, भटकाती है, जबकि हम समय का मूल्य समझते हैं, मिशन मोड पर काम करते हैं। इटारसी तो देश के सबसे बड़े जंक्शन में से एक है। ऐसे में अगर रेलवे की ही बात मैं आपको बताता हूं, साथियों, देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम, पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। हम भारतीय रेल को
पारंपरिक ट्रेन के बजाय बिजली से चलने वाली ट्रेनों यानी मेमो और डेमो में बदलने की तरफ तेजी से काम कर रहे हैं। रेलवे में बिजली के लिए भी अब हम सोलार या विंड एनर्जी पर ज्यादा बल दे रहे हैं। इसके अलावा आप भी देख रहे होंगे कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों में एलईडी लाइट लगाई जा चुकी है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, भारत में ही पूरी तरह से बनी देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आज पटरी पर दौड़ रही है। बहुत जल्द ही देश के अनेक हिस्सों में ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या फिर सामान्य मानवी के जीवन को ऊपर उठाना, हमने पूरी क्षमता से काम किया है। 2022 तक देश के हर गरीब बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए हम काम कर रहे हैं। शौचालय हो, रसोई घर में एलपीजी गैस का कनेक्शन हो, गरीब बहनों को सम्मान का जीवन देने का निरंतर प्रयास हम करते रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस नामदारों की नई पीढ़ी को मजबूत बनाने के मैदान में है और भाजपा एक मजबूत नए भारत के लिए आपके सेवा में हाजिर है। मजबूत भारत के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार लिए आप सभी को कमल पर बटन दबाने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज जो 8 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक में, वे सोच रहे हैं कि वो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं वो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य है। भाइयों बहनों, हमारे देश में विपक्ष का नेता होना चाहिए ना, विपक्ष का, तो भी 50 से ऊपर सीटें जीत करके आना पड़ता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए, प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए ये 40 सीट भी नहीं लड़ रहे और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जितने चेहरे हैं आपके सामने जो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल बेस्ट मानते हैं, उनको लगता है मोदी निकम्मा है, बस वही ठीक है, ऐसा मानते हैं, जरा इन चेहरों को याद करो। ये जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं, एक एक चेहरा जरा याद करो। अब मुझे बताइए, इसमें से कौन है जो आतंकवाद को खत्म कर सकता है? आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद से कौन भिड़ सकता है? घर में घुसकर कौन मार सकता है? भाइयों बहनों, आपका जवाब आधा सत्य है आधा गलत है। अब 50% मिले आपको, 50% से काम नहीं चलता है भाई, 100% मिलना चाहिए।
आतंकवाद को कौन मार सकता है? भाइयों बहनों, आप मोदी 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 कर रहे हो, लेकिन सत्य ये है कि आपका एक वोट आतंकवाद को खत्म कर सकता है। आपके वोट की ताकत है जो ये चौकीदार को मजबूत बनाती है, और चौकीदार आतंकवादियों का हिसाब चुकता करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के फूल के सामने बटन दबाइए और आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप सब मतदान करेंगे, मतदान कराएंगे, अपना बूथ मजबूत करेंगे, बूथ पूरा का पूरा जीतेंगे, अधिक से अधिक लोगों से मतदान करवाएंगे। अब से लेकर के चुनाव के दिन तक घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, चार महीने में जो बर्बादी की है ये भी बताएंगे, एक परिवार के 55 साल और एक चाय वाले के 55 महीने आप लोगों को बताएंगे, कमल का फूल पर बटन दबाएंगे। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी मात्रा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।